कानपुर में भी घरेलू हवाई सेवाएं 25 मई से शुरू हो जाएंगी इन्हें चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा इसके लिए कानपुर एयरपोर्ट पर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यहां की तैयारियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता नीरज अवस्थी ने करीब दो महीने बाद हवाई सेवाएं फिर से चालू की जा रही हैं हम इस समय मौजूद हैं कानपुर एयरपोर्ट पर आपको दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ पे तैयारियाँ की जा रही हैं जो फ़्लाइट्स कल से चालू होंगी उसके लिए सैनिटाइज़ किया जा रहा है सारी तैयारियाँ हैं तमाम जो स्टाफ है वो यहाँ पर लगा हुआ है कि किसी तरीके से यहाँ पर जो नियम कानून हैं उनको फॉलो करते रहें इसके साथ ही सुरक्षात्मक तरीके से यहाँ पर यात्रियों का आवागमन हो सके इसके लिए हमारे साथ और जानकारी के लिए मौजूद हैं यहाँ के डायरेक्टर झाँ साहब उनसे हम बातचीत करेंगे झाँ साहब किस तरीके की क्या तैयारियाँ की गई हैं कल के लिए एम एच गाइडलाइंस के अनुसार जो हम लोगों की तैयारी करनी है उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं स्टार्टिंग में जैसे क्यू के लिए हम लोगों ने सर्कल बनाया है फिर थर्मल स्कैनिंग का अरेंजमेंट किया है उसके बाद टच फ्री आईडी चेक्स आईडी चेक्स एंड बोर्डिंग कार्ड बोर्डिंग पास चेक्स भी उसमें होंगे सी के द्वारा उसके बाद हम लोगों ने तैयारी किया है वेब कैंप से रिकॉर्डिंग के लिए जितने बोर्डिंग पास है उसका रिकॉर्डिंग होना चाहिए इस तरह से हम लोगों ने पैसेंजर के लिए जो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए हर चेयर्स में हम लोगों ने ऐसा मेंटेन किया है कि बीच वाले चेयर को क्रॉस करके और दोनों साइड में बैठे पैसेंजर यही व्यवस्था किया है इतना कुल मिला के दो महीने बाद चालू हो रही हैं फ्लाइट्स पूरी तैयारी कानपुर में पूरी हो चुकी है हाँ हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं पूरी तरह से गवर्नमेंट का जो डिसीजन है उसको कम्प्लाई करने के लिए हम लोग हंड्रेड तैयार हैं तो बिल्कुल जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं कानपुर एयरपोर्ट में और कल से यात्री जो हैं वो हवाई सेवाओं का लुफ्त जो है उठा सकेंगे कैमरा पर्सन फरान शाह नीरज वर्सी आर नाइन कानपुर